यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं प्रमोद जी, अगर संजय ठाकुर की बात करें, संजय ठाकुर से बात हुई हमारी, उनके भी साफ तौर पर यही कहना था कि यहाँ पर जो ट्रांसफर दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफर है, नॉर्मल है, ये लोगों के भी है, इसे ही बैठे बैठे इन्होंने किसी भी तरह एक्शन से कह के इन्होंने 400 के भी बदल दिया। मैं आपके साथ ये जितने भी लोग हैं, मैं संजय ठाकुर और पार्षद जो हमारे हैं प्रमोद जी, उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं, मैं ये दिखा दूँ आपको, ये ट्रांसफार्मर 400 KV का, जो एक तरह से यहाँ पर जो डिम लाइट आती थी, उस डिम लाइट से बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ से देख रहा है ग्रामीणों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को, उनकी जो समस्या है वो काफ़ी दूर हो गई है। ये 400 KV का ट्रांसफार्मर है, इसके आने से यहाँ पर जनता उत्साहित है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि संजय ठाकुर और यहाँ जो स्थानीय पार्षद है, उन्हीं की वजह से ये इतना बड़ा कार्य यहाँ किया गया है। मैं आपका अपना पुनीत रोहिला, न्यूज़ उत्तराखंड समाचार चैनल है। संजय ठाकुर जी जो भाजपा के नेता भी हैं, आई जानते हैं उनका किस तरह का कार्य यहाँ चल रहा है। नमस्कार जी, आपका क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या चाहेंगे कि कॉलोनी वासियों के लिए बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, इनको 400 KV का ट्रांसफार्मर मिल रहा है, जो यहाँ 350 की जो आबादी है उनके लिए राहत की सांस है। आगे गर्मियों और सर्दियों के लिए बहुत अच्छा कार्य होगा। मैं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों का धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतनी जल्दी इस कार्य को पूर्ण कराने का सहयोग प्राप्त किया। डेंगू का तो सीधा हिसाब यही है कि आप कितनी सफाई अपने आसपास रखेंगे, पानी का भराव नहीं होने देंगे, उतना ही आप बच के रहेंगे। डेंगू में तो सबसे बड़ा हिसाब यही है, जितना आप बचेंगे उतना ही आपका उपचार है। सबसे पहले ये है कि आप आसपास आप देखिए, गंदगी ना हो, पानी ना जमे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। हमारे साथ हैं संजय ठाकुर, भाजपा नेता, आए जानते हैं आज ग्रामीण में यहाँ स्थानीय संजय ठाकुर जी हमारे पास में रहने वाले, उनके पास गए हम। वहाँ जाने के बाद में हमने नए सारी समस्याएं बताई। हमारे पास में इसकी एक प्रति भी नहीं थी। 15 नवंबर में जो है ये ट्रांसफार्मर के लिए हमने किया था, तो उसके बाद में संजय ठाकुर जी को बताया, पता जी ऐसा मामला है। इन्होंने फ़ोन के थ्रू हमें 1.5 घंटा अपने ऑफिस में बढ़ाया और सारी इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करने के बाद में इन्होंने डिपार्टमेंट से भी किया और उसमें जो है 250 का ट्रांसफार्मर अप्रूवल करने के लिए, 250 का अप्रूवल होने के बाद में एक ये देहरादून चले गए और वहाँ पता नहीं क्या बात हुई, ये इन्होंने 400 में कन्वर्ट कर दिया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे संजय ठाकुर जी का, और आगे जो है ना उम्मीद करेंगे कि मतलब ऐसे कार्य में ये हमेशा ही तत्पर खड़े रहते हैं, और सड़क सड़क के लिए भी, बाकी नाले के लिए भी उन्होंने काफ़ी हमें दिखाई दिखाई, जिसके अंदर प्रधानमंत्री के पास देख रहे थे। और उसके बाद में इसमें मिलिट्री स्टेशन हेडक्वार्टर का भी लेटर था, जिसमें किया था कि सामने पानी की बड़ी समस्या है और नाले में बुरी गंदगी है, डेंगू की बीमारी है, फैलने वाला साथ सब कुछ लिखा हुआ था। तो लेटर भी उन्होंने जो है प्रधानमंत्री के पास भिजवा दिया। पार्षद जी हमारे ऐसे, पार्षद जी ऐसे हैं हमारे, एक डोमस जी हैं, एक पार्षद जी हैं, तीन पार्षद मिले हैं। ये हमें ऐसे मिल गए कि हमने जो अपना प्रधान जी था पहला हमारा प्रधान जी कहा कि बड़ी मुश्किल से ब्रजेश जी के साथ में अप्रोच लगवाई, भाई हमें ऐसी समस्या आई कि हमारे यहाँ से पानी के बीच में करना पड़ रहा। ब्रजेश जी ने कहा कि उससे दो थोड़ी मिट्टी की लगवाई थी, और आज उसके बाद में आज तक कोई बजट नहीं आया और योजना खत्म होने जा रही है। और पार्षद जी हमारे कभी भी रात को फोन करो, दिन में फ़ोन करो, ये बेचारे तत्पर रहते हैं, वैसे आग फोन ग्राउंड खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे दोनों जी हैं, दोनों जी कभी फ़ोन कर दिया, नाले का खुदाई का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेकिन ये दो चक्कर अभी दिन में लगा रहे हैं वहाँ पर। तो ये टीम हमारी बहुत ही बढ़िया टीम है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसी टीम का मसाला करते हैं। और संजय ठाकुर जी से तो उम्मीद ये है कि हमें किसी भी हालत में ना जो है अगले योजना के अंदर देख आएंगे। चौधरी चरण सिंह कॉलोनी से, इस कॉलोनी में सफाई का कार्य बहुत अच्छा जो पार्षद द्वारा कराया जा रहा है, और इसी कॉलोनी में 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगन लग रहा है, ये भी पार्षद की वजह से लगन लग रहा है। ये बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं।
भगवान इनकी तरक्की। आज क्या कार्य होगा? आज जो है ट्रांसफार्मर लगन लग रहा है 400 केवी लग रहा है। बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है। पहले क्या निकलता? पहले वोल्टेज कम रहे, लोड ज़्यादा हो रहा है, बड़ी कार्य होगी तो करीब कर रहे हैं। सफाई अच्छी हो रही है, जो ठीक है।